भोपाल में आज इस साल के अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। नगर निगम के जलकर, संपत्ति कर एवं अन्य करों के पुराने बकाया वसूली के लिए छूट दी गई। ये इस वर्ष की चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत है। इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अमिताभ मिश्र ने दीप प्रज्वलित कर नेशनल लोक अदालत को आरंभ किया। नेशनल लोक अदालत में बैंक रिकवरी प्रकरण, विद्युत टेलीफोन जलकर संपत्ति कर के प्रकरण, न्यायालय में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरण, आपराधिक शवनीय प्रकरण, क्लेम प्रकरण, जलकर संपत्ति कर, अन्य सिविल केसों का निराकरण किया गया। तो वहीं लोग अपनी संपत्ति कर एवं जलकर का भुगतान कर अधिभार में मिलने वाली छूट का लाभ उठाने के लिए पहुंचे। न्यायाधीश अमिताभ मिश्र ने बताया कि इस लोक अदालत में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए 64 खंडपीठों का गठन किया गया, जहां 21,000 प्रकरण पक्षकारों के निराकरण के लिए रखे गए और इस मौके पर 1,54,00,000 के एक्सीडेंट का क्लेम पक्षकार को भी दिया गया। आज ये नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के तत्वावधान में ये वर्ष की अंतिम लोक अदालत लग रही है। पूरे वर्ष में हम जो है, वैसे तो हमारी स्थायी खंडपीठें भी लगती हैं हर महीने की, जिसमें हम मामलों का निराकरण करते हैं, लेकिन इस नेशनल लोक अदालत में अभी हमने जो है कुल 64 खंडपीठों का यहाँ पर गठन हुआ है। और जो भी शमनीय अपराध होते हैं या सिविल मामले होते हैं, खासकर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के भी मैटर, जहाँ पति पत्नी के आपस में विवाद होते हैं, ऐसे मामलों को हम लोग इस लोक अदालत के माध्यम से निराकृत करते हैं। क्लेम केसेस में भी आज ही अभी सुबह सुबह दो ऐसे मैटर हमारे सामने आए हैं, जिसमें एक में 1,25,00,000 का अवार्ड पास हुआ है और दूसरा 1,15,00,000 का। इसलिए हमें तो लग रहा है कि ये लोक अदालत हमारी बहुत ही एक सफलता के नए आयाम को छूने जा रही है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।